नीट एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक मामले पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि अब ये परीक्षा दोबारा नहीं होंगी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आगे से सरकार ये ध्यान रखे कि लापरवाही ना हो। लापरवाही हुई है, ये सरकार की नाकामी है। ठीक है कि 24-25 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई हिदायत दी है सरकार को कि आगे से इसका ख्याल रखा जाए कि आगे से फिर इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। ये तो सरकार की जिम्मेवारी जवाबदेही है। इस बार तो दोबारा परीक्षा होने से फिर कई विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता छात्रों को, लेकिन लापरवाही हुई है ये बात तो मान लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार अगली बार से चुस्त दुरुस्त तरीके से पूरी व्यवस्था को सिस्टम को ठीक करें।